अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है उनको पता ही होगा कि हम लोग अपने गांव आए हैं और अभी जो है अभी हम लोग पहुँचे हैं और इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं। तो आप लोग बाहर देख सकते हैं फुल अंधेरा है इस टाइम। तो भाई इतना टाइम हो गया था जागते जागते, पूरी रात ट्रैवल किया और सुबह जो है मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन मेरी बहन को जो है ना उसको दौरा पड़ा था कि मुझे ना मेहंदी लगाओ। तो यहाँ मैंने इसके एक हाथ पे जो है मेहंदी लगाई, कहती मेरे दूसरे पे भी लगाओ। तो मैंने कहा अब मैं नहीं लगा रही। जब उसकी लगाई तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं अपनी भी लगा लेती हूँ। तो मेहंदी जो है वैसे कोई मुझे खास आती नहीं है, लेकिन हाँ मैं देख के लगा लेती हूँ। तो यहाँ हम डिज़ाइन देख रहे थे, तो फिर जो है मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया था, लेकिन ये भी मैंने पूरा नहीं लगाया, छोटा मोटा सा लगाया, क्योंकि मुझे मेहंदी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, नॉर्मल सी पसंद है थोड़ी बहुत। तो यहाँ जो है सुबह हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, और अभी तक जो है मैं नहीं सोई थी, हम सब जाग रहे थे। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी। तो ये मेरे मामू का घर है और यहाँ ये बिल्कुल रोड के सामने है, मतलब कि यहाँ पूरी रात सारा दिन सुबह शाम गाड़ियाँ जो हैं आती जाती रहती हैं। और ये हूँ मैं। तो गाइज मैं सो गई थी क्योंकि सर में दर्द हो रही थी मेरी नींद की वजह से। तो इस टाइम दोपहर के 12 बज चुके हैं, जैसे कि आज ईद है और मैं सो गई थी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा ईद मुबारक, और ये ब्लॉग ईद के बाद आएगा। तो अभी जो है मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ। ये वाले जो कपड़े हैं ये मैंने निकाले हैं अपने लिए अभी, ब्लू वाइट में है और साथ में इसके साथ गुस्सा वगैरह है, और ये चूड़ियाँ। तो अभी जो है रेडी होते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने अपने फेस पर शीट मास्क लगाया है ताकि मेरे स्किन पर थोड़ा सा जो है ना वो ग्लो आ जाए। तो इसको रिमूव करके फिर मेकअप करके मैं आप लोग अभी से भूत लग रही हूँ। तो गाइज यहाँ मुश्किलों से 3 से 4 बजे तक जो है ना मैं तैयार हो गई थी ईद के लिए, आप लोग देख सकते हैं, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। गाइज अभी जो हम सब लोग रेडी हो गए हैं और अभी जाने लगे हैं, सबसे पहले हम अपने बाबा के पास जाएंगे उनकी कब्र पे, और उसके बाद हम अपने बड़े मम्मी और बाकी रिश्तेदारों को। तो देख रहे हैं ये हम अपनी छोटी सिस्टर के लिए सजाई थी, जिसको हम उसकी पहली ईद देने के लिए जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या क्या, इसमें कपड़े हैं और उसमें खाने की चीजें हैं, प्यारी सी। तो गाइज यहाँ हम सब लोग आ गए थे और हम सब ने पहले जाना था पापा की कब्र पे, और उसके बाद हमने जाना था अपने सारे रिश्तेदारों के घर, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी टाइम के बाद जाते हैं, 1.5 साल के बाद। तो सब लोगों के घर पे जो है वो हमें जाना पड़ता है मिलने के लिए। तो यहाँ बस हम लोग जाने लगे थे। मम्मी ने कहाँ बैठना है? अल्लाह इतने सारे लोग एक साथ माशाल्लाह करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा खानदान। हाँ को बड़ा सारा खानदान दिखाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ना गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मामू ने दूसरी गाड़ी के साथ जो है ना उसकी बैटरी को वो कुछ किया था चार्ज करने के लिए। तो मैंने तब तक सोचा मैं आप लोगों को अपने मामू का जो है ना वो ऑफिस दिखा देती हूँ, जो कि उन्होंने अभी न्यू बनाया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वो गाड़ियाँ सेल भी करते हैं और न्यू लेते भी हैं, देते भी हैं, कुछ इस तरह। मेरा मामू है। मामू लोग आपसे गाड़ियाँ लेने आ सकते हैं? आपका नंबर क्या है? यहाँ पे होगा इनका नंबर, वो रहा उनका नंबर। सकते हैं सारे गांव में ऐसे बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, और ये बाहर सारे खेत हैं। तो अभी जो है वो इधर चलते हैं। ये मेरे नानों का घर है गांव वाला, और अभी जो है हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे आए हैं अपनी बहन को ईदी देने के लिए। तो
गाइस हम सब जो है यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया और बाकी जो भी रिश्तेदार हैं उन सब से मिले सबके घर के। और फिर जो है मेरे जो छोटे वाले मामू हैं वो हमें वापस छोड़ने जा रहे थे बड़े मामू के घर, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास रहो, क्योंकि हम वहाँ पर जाते हैं तो कोई कहता हमारे पास रहो, कोई कहता हमारे पास रहो, हमारे अपने घर में कोई हमें रहने ही नहीं देता। गाइस हम सब जो है वो वापस आ चुके हैं और अभी हम जाने लगे हैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टाटा।